नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कुछ। आज कुछ दिखा नहीं पाएंगे जैसा लग रहा है दोस्तों, तो कुछ बातें कर लेते हैं आप लोग के साथ। तो बहुत सारे दोस्त का भी कमेंट आ रहा था दोस्तों कि आप लोग अलग क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, मैं सोचा कि आप लोगों से अपना बात क्यों छुपाना। तो दोस्तों, चलिए अपना बारे में आज आप लोगों से बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग का लव मैरिज हुआ था 2015 में, आप सबको पता ही था। तो करीना थोड़ा अलग जात की है और मैं अलग जात की, इसलिए दोस्तों हम लोग अलग रहते हैं। गांव में बहुत कुछ बातें होते हैं कि ये सब अलग अलग जात के शादी की हैं, ऐसा ऐसा वाला सिस्टम बात करते हैं, इसलिए हम लोग दोस्तों अलग ही रहते हैं। तो मेरा भाई सब उधर रहते हैं अलग घर में, तो उसी दिन वहीं हम लोग पार्टी उल्टी था, उस दिन वहीं बैठे हुए थे। तो हम ही लोग का वो घर है। तो दोस्तों, ये तो मेरा छोटी दादी थी, वो गुजर गई है, तो उसी का घर था ये। ऐसा तो पहले उधरे रहता था, मैं भी घर में रहता था, ज़्यादा भाई होने के कारण मैं बड़ा था। तो उधरे करीना साहब का घर भी है, तो उधरे लव मैरिज देखा देखी में हो गया दोस्तों। तो मैं हम लोग के बाबू से थोड़ा बड़ा था दोस्तों, उसी टाइम से मैं मेरे नानी का घर में ही रहता था। तो करीना सबका घर थोड़ा ही दूर में है, और मेरा नानी सबका घर में दो जाति के रहते हैं, एक साव जात के और एक हिंदू जात होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वहाँ का एक लड़का है जो इसका करीना के बहन से शादी किया था, तो हम लोग को लड़का से भाई दोस्ती जैसे लगते थे। तो उसी के साथ आने जाने में वो जान पहचान हो गया था दोस्तों, तो बाद में प्यार और मोहब्बत में बदल गया दोस्तों। जिस टाइम हम लोग इसके जीजा के साथ घर जाते थे दोस्तों, उस टाइम करीना तो छोटा ही थी, इतना बड़ा नहीं थी। मैं कम से कम 15-16 साल का था, तो ये 10-12 साल की थी होगी। तो बाद में काम करने चल गई थी दिल्ली, मैं भी इधर उधर काम कर रहा था दोस्तों। हम लोग इधर झारखंड में लड़की लड़का सब दिल्ली ज़्यादा जाते हैं काम करने, कोठी सब में काम करते हैं दोस्तों। मैं तो आप लोग को बता ही दिया था, मैं तो पंजाब में काम करता था। पता नहीं एक दिन किसी से नंबर उम्बर ली होगी जान पहचान मेरा दोस्त सब से, तो दिल्ली में थे उसी टाइम फ़ोन की कि ये। और ऐसा होता है ना दोस्तों, इधर जो ले के जाते हैं वो सब कुछ पैसा लेते हैं और काम लगा देते हैं, और वो सब घर आ जाते हैं, ऐसा कर देते हैं। जो कोठी वाला होते हैं सब घर से बाहर निकलने भी नहीं देते हैं। तो कोई भोर होने वाला आदमी सब भोर भी हो जाते हैं। तो ऐसे में मेरा पास फ़ोन किया कि घर जाना है, ऐसा ऐसा बात बोल के करीना ने। तो मैं भी उधर था पंजाब में, तो मैं तो काम छोड़ के नहीं जा सकता था, लेकिन चलिए किसी का हेल्प हो जाएगा वाला सिस्टम में घर छोड़ देंगे सोच के, जान पहचान है ऐसे बोल के। तो ये बोल रही कि अकेले नहीं जा पाऊँगी, तो चलिए तब हम ही लोग के साथ काम करोगी बोल के इसको मैं ले गया था पंजाब दोस्तों। तो उधर से रहने लगे थे हम लोग करीना के साथ में। तो घर आए तो एक दिन ये सबका घर गया था, तो उसी दिन गांव वाला सब बात उत किए कि अब इसी को दे देंगे लड़की। तो चलिए भैया दे दे दिए, थाना पुलिस सब हुआ था और वहीं शादी करा दिए थे पुलिस सब दोस्तों। तो हम लोग को ऐसा लव मैरिज हुआ और हम लोग कमाने चल गए थे, और उसके बाद में ममता हुई और बाबू भी हुआ। तो आप सोच रहे हैं कि घर तर रहेंगे दोस्तों, तो एक डेढ़ महीना दो महीना जैसा हो गया था,
तो सोचे कि गांव वालों सबको कुछ खर्चा बर्चा कर दिया जाए, इसीलिए वो प्रोग्राम उस दिन था दोस्तों। तो खान पियान कर दिए, तो नहीं तो गांव वाला सब बोलते हैं कि शादी उदी तो कर ली लेकिन खिलाए पिलाए नहीं, ऐसा बोलते हैं गांव वाला सब। इसीलिए उस दिन पार्टी रखे थे दोस्तों, को पहले बता नहीं सके दोस्तों ने, तो मैं सोच रहा था कि पहले आप सबको मैं बता दूँ। तो दोस्तों पतले उतले सबको खाने पीने के सामान जुगाड़ करना पड़ता है, जैसे 150 आदमी आए हुए थे तो सबका खाने पीने के लिए भी जुगाड़ ही करना था। तो दोस्तों आप लोग को पता चल ही गया अलग हम लोग क्या क्यों रहते हैं, तो ऐसे प्रॉब्लम है दोस्तों इसलिए अलग ही रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, करीना उधर बर्तन सब भी मांज रही है, देख लेते हैं बाबू तो सोया हुआ है। देखिए दोस्तों बाबू तो कैसे सोया हुआ है, ममता तो किधर खेलने गई है। तो ये देख सकते हैं करीना मांज रही है और ममता का उधर साइकिल है। मैं घर में ही आप लोग से बैठ बैठ के बात कर रहा था दोस्तों, ये देख सकते हैं। देखिए हालत, देखिए पूरा धो रही है वो। देखिए दोस्तों उधर ममता खेल रही है लगता है। ये देखिए यहाँ साइकिल को खड़ा की है और उधर खेलने गई है, देख सकते हैं। इधर भी बैठे हैं धूप में। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कितना भाई बहन है, आप लोग सोच रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग 5 भाई केवल हैं और हम लोग का माँ बाप तो थे वो छोटा ही छोटा में गुजर गए थे, घर में कुछ खाने पीने नहीं होने के कारण इलाज भी नहीं करा पाए बीमार से दोस्तों। आगे वीडियो में दिखा देंगे हम लोग का भाई कौन कौन है। तो एक अभी काम करने गया है दोस्तों गोवा, ऐसा तो सब कामें करते हैं, बड़ा ही बड़ा हो गए हैं, मैं ही बड़ा हूँ। तो आगे वीडियो में दिखाएंगे कि हम लोग भाई सब कौन कौन है और हम लोग का घर कैसा है, उधर उधर भी दिखाएंगे दोस्तों। तो एक भाई का शादी है, 2-4 दिन में शादी होने वाला है, तो उधर थोड़ा शादी हो लेगा उसके बाद ही दिखाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि शादी उदी का वीडियो सब भी बनाऊँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो इसलिए दोस्तों उधर घर सबको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। तो देखेंगे घर सबको भी और भाई साहब को भी दिखा दूंगा आप लोगों को। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को तो पता लग ही गया होगा कि इसीलिए हम लोग अकेले ही रहते हैं चारों परिवार, ऐसा तो सब भाई सब में भी प्रेम मोहब्बत है लेकिन खाना पीना अलग करते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसे लगा। और हाँ दोस्तों पहली बार हम लोग का चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सके जल्दी में दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।